नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली जिले में खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन इसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हर आदमी इस आतंक के साए में जीने को मजबूर है। इस समय अपनी जान बचाने में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। ऐसे में कोरोना संकट के दौर में सबसे ज्यादा हानि किसी की हुई है तो संवेदना मानवीयता और भावना का जो तार तार होकर रह गई है। ताजा मामला सिंगरौली जिले के जयंत जैतपुर का है, जहां इस दौरान भारी लापरवाही की मिसाल तस्वीरें सामने आई हैं, जो सरकार की किरकिरी कराने को काफी हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और न ही गंभीरता दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर कैमरे के सामने बोलने से भी जिम्मेदार बच रहे हैं। जो एक वीडियो ये वायरल हो रहा है, जयंत के जैतपुर स्थित शमशान का बताया जा रहा है। कोरोना से हुए मृत व्यक्ति के अध जले शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। कोरोना से मृत व्यक्ति के शवों का कोरोना गाइडलाइन के तहत दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब तक शव पूरी तरह जल नहीं जाता, प्रशासनिक अमले को इस शमशान घाट में मौजूद रहना चाहिए, जबकि प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भय व्याप्त है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद शहर के शमशान घाटों में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस प्रशासनिक लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों पर जिला कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। इसलिए है कि एकदम रोड के किनारे जला देते हैं, उसका दुर्गंध पूरा गांव में फैल रहा है, हर लोग बीमार हो रहा है। शमशान घाट से आपका घर कितना दूर है? ज्यादा ज्यादा 20 फीट है। 20 फीट है। बदबू ही आता है, बदबू आता है। और संक्रमण से कुछ भय है? अभी तो भय नहीं लग रहा, बस शायद हो सकता है आने जाने में भय लगेगा भाई, इसलिए 50 मीटर दूर पे घर है।